प्रश्न सात यदि कोई तिरिय छेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद करे, तो उन दोनों सरल रेखाओं के समानांतर होने के किन्ही दो शर्तों को लिखें तो प्रश्न सात में कह रहा है यदि कोई तिरियक छेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं तो मान लीजिए ये दो सरल रेखा है ठीक है दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करें और ये है छेदी रेखा तो छेदी रेखा दो सरल रेखाओं को मान लीजिए एल है एम है तो दो सरल रेखाओं एल और एम को प्रतिच्छेद कर रहा है तीरिय छेदी रेखा तो उन दोनों सरल रेखाओं के समानांतर होने के किन्हीं दो शर्तों को लिखें तो समानांतर कब होगा जब संगत कौन बराबर होगा या एकांतर कौन बराबर होगा यानी ये कौन ये कौन बराबर होगा या ये कौन और ये कौन बराबर होगा ठीक है एकांतर कौन या संगत कौन ठीक है अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा या तीर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन संपूरक हो जाए यानी ये कौन और ये कौन अगर संपूरक हो जाए जोड़ करके 180 डिग्री आ जाए तो भी ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा तो इसका दो शर्त लिखना है बस तो इसका पहली शर्त लिखेंगे यदि एक तिरिय छेदी रेखा यदि एक तीरिय छेदी रेखा दो रेखाओं को दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे को यदि एक तिर छेदी रेखा दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंत कोनो, एक कोनो का एक युग्म बराबर हो तो वे दो रेखाएं समानांतर होंगी तो पहली शर्त क्या होना चाहिए कि अगर तिरिय छेदी रेखा दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंत कोणों का एक युग्म बराबर हो यानी एकांतर अंत कोणों का एक युग्म तो देखिए ये कौन और ये कौन बराबर होना चाहिए तो एकांतर कोणों का का एक युग्म या तो ये कौन और ये कौन बराबर हो या ये कोण ये कोण बराबर हो ठीक है तो दोनों में से कोई एक तो एकांतर कोनों का एक युग्म तो या तो ये कोण और ये कोण बराबर हो ठीक है या ये कोण और ये कोण बराबर हो तो क्या हो जाएगा समानांतर ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा समानांतर दूसरी शर्त क्या है तो दो शर्त लिखना है यदि एक रेखा दो रेखाओं को, को इस प्रकार काटे या इस प्रकार प्रतिच्छेद करें इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिरयक रेखा के एक ही ओर एक ही ओर के अंत को का एक युग्म संपूरक हो संपूरक संपूरक हो तो वे रेखाएं वे रेखाएं समानांतर होंगी ठीक है यानी एक तिरिय रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का एक युग संपूरक हो तो ये रेखाएं समानांतर होंगी यानी इसमें कह रहा है देखिए ये दोनों रेखा है और एक तिर्य छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कौन जो है और ये कौन क्या हुआ एकांतर तीरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन तो ये कौन और ये कौन तीरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन है ये दोनों ठीक है ये कौन और ये वाला कौन या ये कौन या ये कौन तो कोई एक कोई एक युग्म को लेना है तो कोई एक युग्म का अगर 180 डिग्री जोड़ आ जाए यानी संपूरक हो जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या होगा समानांतर होगा ठीक है तो वही कह रहा है दूसरी शर्त में तो बस दो ही शर्त को लिखना है तो प्रश्न में कह रहा था यदि कोई तीर छेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों सरल रेखाओं के समानांतर होने की कि किन्हीं दो शर्तों को लिखे तो इस प्रकार दोनों शर्तों को लिख देना है बस यही इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न आठ बगल के चित्र में ए बी समान्तर सी डी ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें क्या है ए बी समान्तर है सी डी के और एफ बी एफ पी एफ पी कॉमा ई एफ बी को समद्विभाजित करती है तो एफ बी जो किरण है वह ई एफ बी ई एफ बी कोण को समद्विभाजित कर रही है यदि कोण सी जी एच सी जी एच बराबर एक सौ पचास डिग्री हो तो कौन ई एफ पी ई एफ पी यानी ए कौन का मान ज्ञात करें ठीक है तो प्रश्न आठ प्रश्न आठ का पहले चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा तो इस तरह से चित्र बना हुआ है ठीक है अब कह रहा है प्रश्न में कि ए बी समान्तर है ए बी समान्तर है सी डी के और एफ पी एफ पी जो है कौन ई एफ बी का समद्विभाजक है ई एफ बी को समद्विभाजित करती है यदि कौन सी जी एच सी जी एच बराबर एक सौ पचास डिग्री हो तो कौन ई एफ पी का मान ज्ञात करें तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है ए बी समानांतर है सी डी के और एक देखिए ये तिरिय छेदी रेखा है ये जो है ई एच ई और एच क्या है तिरिय छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है दो समानांतर रेखाओं को ये दिया हुआ है इतना ठीक है ए बी और सी डी समानांतर दिया हुआ है और एक तिरिय छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये कौन जो होगा ये कौन ये कौन कितना है डिग्री तो ये कौन भी एक होगा कैसे क्योंकि संगत कौन है देखिए जब जो दो रेखा समानांतर हो और एक तिरिय छेदी रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा हो तो संगत कौन बराबर होता है तो ये दोनों कौन क्या होगा संगत कौन ठीक है तो ये एक सौ पचास होगा तो ये भी एक सौ पचास होगा यहां पे एफ लिखा हुआ है ठीक है तो ये एक सौ पचास होगा तो ये भी 150 होगा संगत कौन से तो लिख देंगे यहां पे कौन सी जी एच सी जी एच बराबर कौन ए एफ जी एफ जी बराबर एक सौ पचास डिग्री संगत कौन तो यहां पे लिखेंगे संगत कौन तो कौन सी जी एच बराबर कौन ए एफ जी बराबर एक सौ पचास डिग्री होगा संगत कौन है सी जी एच ये एक सौ पचास तो कौन ए एफ जी भी एक सौ पचास डिग्री होगा क्योंकि संगत कौन तो यहां पे देखिए हम लिख दिए हैं संगत कौन से ठीक है तो संगत कौन सिर्फ लिख देंगे अब अब ए एफ जी एक सौ पचास हो गया तो ई एफ बी कितना होगा एक सौ पचास डिग्री सम्मुख कौन देखिए ये रेखा है ई e एच और ए बी दो रेखा आपस में यहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये पूरा कौन देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये कौन क्या होगा सम्मुख कौन है क्योंकि एक रेखा हो गया ई एच और एक रेखा हो गया ये बी दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो सम्मुख कौन बराबर होता है तो ये कौन देखिए जिस तरफ हम और ये कौन दोनों सम्मुख कौन है तो इसको क्या नाम देंगे तो ई एफ बी बराबर ए एफ जी कौन ई एफ बी बराबर कौन ए एफ जी तो लिखेंगे कौन ए एफ जी बराबर कौन ई एफ बी ई एफ बी बराबर 150 डिग्री कैसे तो सम्मू कौन क्यों क्यों 150 डिग्री होगा क्योंकि सम्मुख कौन है ठीक है तो ये अब अब ई एफ बी कितना हो गया 150 डिग्री ए एफ जी एक डिग्री आ गया था संगत कौन से तो ये e 150 है तो ई एफ बी भी 150 होगा यहां से यहां तक पूरा अब प्रश्न में कह रहा है एफ पी जो है एफ पी यानी ये जो रेखा है वह कौन ई एफ बी का समिभाजक करती है तो लिखेंगे अतः कौन कौन सा कौन पूछ रहा है ई एफ पी ई एफ पी बराबर एक वटा दो कौन ई एफ बी बराबर 150 डिग्री बटा दो बराबर पचहत्तर डिग्री यानी पचहत्तर डिग्री इसका उत्तर होगा देखिए कौन ई एफ पी कौन ई एफ पी यानी ये कौन ठीक है ये कौन हमसे पूछ रहा है तो अभी हम ये पूरा कौन निकाल दिए हैं कितना 150 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है कि एफ बी जो है कौन ई एफ बी का समद्विभाजक है समधिभाजक मतलब इधर जितना कौन होगा उतना ही इधर होगा यानी आधा आधा, आधा बांट रहा है तो ये पूरा एक सौ पचास है तो इधर पचहत्तर और इधर पचहत्तर हो जाएगा क्योंकि समद्विभाजक है समधिभाजक मतलब कौन को आधा हम बांट देना तो इसीलिए हम यहां पे लिखे हैं कौन ई एफ पी जो पूछ रहा है ये वाला कौन ई एफ पी यानी ये कौन बराबर हो जाएगा एक बटा दो कौन ई एफ बी ई एफ बी यानी ये पूरा कौन का आधा होगा ठीक है ये पूरा कौन का आधा होगा क्योंकि समद्विभाजक है तो कौन ई एफ बी कितना है एक सौ पचास डिग्री अभी निकाले हैं सम्मुख कौन से तो एक सौ पचास डिग्री बटा दो क्योंकि एक बटा दो मतलब आधा तो एक सौ पचास डिग्री बटा दो यानी पचहत्तर डिग्री तो ये क्यों हुआ क्योंकि समद्विभाजक तो यहां पर लिख देंगे समद्यु भाजक ठीक है ई एफ बी जो है कौन ई एफ बी का समद्विभाजक है इसीलिए बस यहां पर समद्विभाजक लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो गया पचहत्तर डिग्री तो कौन ई एफ पी EFP पूछ रहा था तो कितना आ गया है पचहत्तर डिग्री इसका उत्तर तो लिख देंगे अतः कौन ई एफ पी बराबर पचहत्तर डिग्री इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे तो बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा समझना है इसको उसके बाद बहुत ही आसानी से यह सब प्रश्न हल होगा प्रश्न नौ यदि ए बी और सी डी समानांतर हो तो बगल के चित्र में एक्स बाई और जेड के मान ज्ञात करें यदि ए बी और सी डी ए बी और सी डी समानांतर हो तो बगल के चित्र में यानी ये इस चित्र में एक्स बाई और जेड के मान ज्ञात करें तो प्रश्न नौ तो पहले चित्र बना लेते हैं ए बी ये है ए ये है बी सी डी सी डी तो ए बी और सी डी क्या है समानांतर है ठीक है और एक तिरियक छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है इसको तो ये हो गया ई e, ये हो गया एफ ये हो गया एच यह हो गया जी यहां पे जी दिया हुआ है यहां पे है बाई यहां पे है जेड और ये है एक्स और ये कौन दिया हुआ है पैंतालीस डिग्री ठीक है तो इस तरह से चित्र बना हुआ है तो ए बी और सी डी क्या है समानांतर ए बी और सी डी समानांतर है तो कह रहा है एक्स बाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए तो ये पैंतालीस डिग्री हो गया तो ये पैंतालीस हो गया तो एक्स कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी में से पैंतालीस को घटा देंगे एक सौ अस्सी में से पैंतालीस को घटा देंगे क्यों क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिरियक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो तिरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का जोड़ एक सौ अस्सी डिग्री होता है ठीक है तिरयक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन संपूरक होता है यानी संपूरक मतलब दोनों को जोड़ दे तो 180 डिग्री आना चाहिए तो 45 और एक को अगर जोड़े तो कितना होना चाहिए संपूरक क्योंकि दोनों रेखा क्या है समानांतर दिया हुआ है तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री क्यों क्योंकि लिख देंगे तिरिय रेखा तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत कोण संपूरक होते हैं ठीक है तिरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन संपूरक होते हैं तो तिरियक रेखा के एक ही ओर के अंत कौन संपूरक होते हैं इस वजह से 45 डिग्री और एक्स को जोड़ करके कितना आएगा 180 डिग्री तो इस तरह से लिख देंगे अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा तो एक्स बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस पैंतालीस डिग्री 45 डिग्री इधर आके बाया दायें तरफ घट जाएगा माइनस में हो जाएगा तो कितना आ गया बराबर दस में से पाँच गया पाँच सात में से चार गया तीन और एक 135 एक सौ पैंतीस डिग्री एक्स बराबर आ गया एक सौ पैंतीस डिग्री ठीक है तो एक्स का मान तो निकल गया है अब देखिए एक्स जब एक डिग्री आ गया तो बाई भी एक डिग्री हो जाएगा क्यों क्योंकि एकांतर कोण जब जो दो समानांतर रेखा को एक त्रीय छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बराबर होता है तो देखिए ये कौन ये वाला जो कोण है और ये कौन एकांतर कोण का एक युग्म बना रहा है तो ये कौन और ये कोण बराबर हो जाएगा तो ये एक सौ पैंतीस होगा तो ये भी एक सौ पैंतीस तो लिख देंगे यहां पे x बराबर बाई बराबर कितना हो जाएगा एक सौ पैंतीस डिग्री यानी बाई बराबर भी एक सौ पैंतीस डिग्री होगा ठीक है क्यों क्योंकि लिख देंगे एकांतर कोण ठीक है यानी x जितना होगा उतना ही बाई होगा क्योंकि एकांतर कौन है तो बाई का मान भी आ गया अब देखिए जेड तो अब जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा करता है तो सम्मुख कौन बराबर होता है तो देखिए ये पैंतालीस और तो ये भी पैंतालीस होगा क्योंकि ये दोनों कौन सम्मुख कौन है जैसे यहां पे ये एक सौ पैंतीस तो ये भी एक सौ पैंतीस होगा सम्मुख कौन से ठीक है ये दोनों कौन और ये दोनों कौन क्या होता है सम्मुख कौन बराबर तो ये पैंतालीस तो ये भी पैंतालीस ये ये एक सौ पैंतीस तो ये भी एक सौ पैंतीस ठीक है तो लिख देंगे यहां पे जेड बराबर पैंतालीस डिग्री क्यों तो सम्मुख कौन सम्मुख कौन है तो इस तरह इसको हल कर देंगे तो एक्स बराबर एक सौ पैंतीस बाई बराबर भी एक सौ पैंतीस हो जाएगा और जेड बराबर पैंतालीस तो तीनों का उत्तर आ चुका है एक्स बाई और जेड तो लिख देंगे इसको तो कैसे लिखेंगे देखिए अतः एक्स बराबर एक सौ पैंतीस डिग्री कॉमा बाई बराबर 135 डिग्री जेड बराबर 45 डिग्री तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे एक्स बराबर एक सौ पैंतीस बाई बराबर एक सौ पैंतीस और जेड बराबर पैंतालीस